जनरल साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे? मेरा नाम वहीद मुराद है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, 20 साल से इस्लामाबाद में जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक तबसरा है, सवाल तो नहीं है, जाहिर बात सवाल के जवाब सब पूरी कौम को ही पता है कौन से जवाब कहाँ आने हैं और कैसे जवाब है। मेरा सिर्फ ये कि जनरल साहब ने कहा कि रियासत के मफादात होते हैं, तो मेरा मानना यह है कि रियासत क्या चीज़ है। रियासत जमीन का एक टुकड़ा है, असल मफादात उस टुकड़े पे बसने वाले लोगों के होते हैं, उनके लिए काम करना चाहिए। और वो जो आप कहते हैं कि एक ग्रोह, तो इस मुल्क में वो एक ग्रोह जिसके मफादात के लिए काम हो रहे हैं और जो फैसला साज हैं, वो ग्रोह आपका इदारा है, ठीक है। तो बराए करम आप तो वर्दी उतार चुके हैं, उनको कम अज कम ये बता दें इस कौम के लिए कुछ कर लें। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं निगरान पाकिस्तान और बिहाइंड दी वाल, पसे पर्दा सच ऑफिशियल वगैरह वगैरह भी है। बाद लोग कहते नाम लिया करो, बाद लोग कहते नहीं यार एक को चलाओ। तुम दोनों को बराबर बराबर ट्रीट करते हैं, जिस तरह माँ अपने बच्चों के साथ ट्रीट करती है। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर है ये, और इससे पहले जो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी थी उसमें मतीउल्लाह जान, ये किधर सिंपोजियम सा हो रहा था वहाँ रगड़ा दिया जा रहा था, तो मैंने कहा चलो ये दे दे, सरकारी आजन वहाँ पे एंकर पर्सन बनी हुई थी, इसको पैसे दो तो ये आपके घर भी आ जाएगी। अमेरिका के जो एम्बेसी है ना, वहाँ के बॉडीगार्ड से लेकर सफीर तक ने सवारी की हुई है इस घोड़ी की। किसी को कतराज हो तो उसको तसल्ली करवा दी जाएगी। अभी ये बात हुई है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रंडी का कोठा है और उसके मतात अदालतें, और अमीर भट्टी भी, अमीर भट्टी ये वही है जो जिसने ज़ियाउलक का केस, वो सेठ वकार ने कहा था तो उसने कहा नहीं सेठ वकार ने गलत किया था, तो फिर इसको जो है ना, हाँ फिर क्या का सिलसिला इसके साथ बाकर नजफी था जो आजकल जेर हिसाब है। तो ये बस यहाँ पर यही चलता है, कोई शक्ल से ना किसी को देना या एक से बढ़कर एक जो है ना वो उसके पास तजर्बा होता है रंडी खाना चलाने का। एक और बात करनी थी, साहबजादा अहमद रजा यार, उसके साथ मेरे मजहबी तो इख्तलाफ हैं, सियासी तौर पे तो वही यार कुछ भी नहीं, बेजरर सा बंदा बेसिकली फैसलाबाद से हैं, तो ये कराची में इनके बड़ी मुरीद हैं और वोटर वगैरह भी हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में भी इमरान खान की सपोर्ट करता है। उसकी बहन का कोई तुक बनता ही यार, उसको भी तंग कर रहे हैं। अत खुदा दबर करने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल में, तो ये ले डूबेगा राणे को और उसको हबीब नहीं हबीब जो था फर्रुख हबीब को, राजा रियाज को और वो आबद खोते को। अच्छा जी ये बात होगी, उसने की है थोड़ी सी मजम्मत, वो एक रामी पिल्ला है ना लंगड़े आलवी का रामी बच्चा। अख्तर मेंगल की वो ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी जो उसने दिया, उसके साथ एक और इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लाल वाले से थोड़े से दम पे लगाए हुए, ये दो आपने मुझे याद कराना देंगे। मंसेरा जलसा उन्होंने कर ही लिया, पुलिस ले गई, किसी को कुछ नहीं नज़र आ रहा। काजी फायज साहब की आंखों में कुकरू पड़े हुए हैं, और इसके जो राजा सिकंदर की आंखें तो निकाल ही दी है ना, उसको तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। शदरे का जलसा जो होना था 5 के बजाय 12 को हो रहा है, वो करे अभी 2-4 दिन घर की रोटियां और खा ले, फिर इन्होंने उठा के तो ले जाना है। एल पी और टी पे लिखने, राजा सिकंदर ने कहा जी क्योंकि वर्किंग डे में है तो हमारे पास इतनी फोर्स नहीं। प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं ना, वो बेचारियाँ जो 2-2, 2.5-3-3 हज़ार पे भर्ती हुई हुई हैं बच्चियाँ बच्चे, वो भी उनको भी बुलाएंगे आ जाओ मेरे बाल में तेरा इंतज़ार है, तो उनके बेचारे की क्या औकात है जी। तो ये वो करेंगे, तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ अब की जो चल रही है बड़े खुल खिला के बात करनी है, साफ सुथरा लोगों को समझ भी नहीं आती। फजल उर रहमान गया वह जी मिलने हमास को, कहाँ गया? इसराइल तो नहीं गया हमास के उसके लीडर को मिलने? हमास को सपोर्ट जो है ना वो करते हैं कुवैत, ओमान, कतर, क्योंकि ये वो सुन्नी हैं तो उनको करते हैं। जो हिज़्बुल्लाह उसको ईरान करता, वो शियाई हैं तकरीबन सारे, वहाँ पे गया फजल-उर-रहमान। क्या करने गया जी आप बता दो, किसी को तो कमेंट्स पे प्लीज़ दे दीजिए, व्हाट्सएप पे अपना ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, कहोगे तो सुनवा देंगे, कहोगे तो नहीं सुनवाएंगे।
नहीं तो जे डर के चुर होना तो फिर थोड़ी मर्जी है, फिर पेड़ पेड़ फिर देखना अपने देखना दुम तो नहीं लगी भी आपके साथ, भेड़ की जो होती है यूं लटकी हुई यूं करके दुम होती है। अच्छा जी भाई ये है कि फजलुर रहमान को जाने से पहले 24 घंटे की पहले कार्यकर्दगी देखी जाए। वो गया जी अमेरिकन एम्बेसी में पहले, फजलुर रहमान जब जाने से पहले पहले उधर भोंका भांकी करके आया था ना पीप काट रहा, फिर अमेरिकन एम्बेसी में गया। उसके बाद वो गया ब्लू एरिया में, फिर ब्लू एरिया के बाद फिर दोबारा कभी जो आप सबक दे रहे तो वो नहीं मान रहा नदीम अंजम, तो वो तो ये कह रहा है। उन्होंने कहा चढ़ परे वो हमारे साथ बंदा हुआ है, गुस्से में कह रहे हैं उसका तर्जमा खुद ही कर लेना, आपने ये करना है। फिर उसको स्पेशल जो है कोई जाती फ्लाइट के ऊपर धक्का दे दिया, अकेला नहीं गया, साथ CIA के 3 बंदे गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्राइक करने लग जाए माधुरी के इश्क में हम गाने गाते फिर। अच्छा जी वो 4 साल उसके अनिल कपूर के रिलेशन में रही उसने जब सब कुछ आओ। अच्छा जी ठीक थोड़ा सा मीठा डाले खुशक मौजू है। वहाँ से दुबई से फिर स्पेशल टूर पर जॉर्डन गया जी, जॉर्डन में साथ है अकेला कहाँ से गया।